आपका? पेपर बहुत अच्छा रहा, मतलब कि इजी क्वेश्चन था सबका, मतलब अच्छा अटेम्प्ट करने लायक है। और करेंट से बता दें, दो क्वेश्चन था, एक पूछा था शिक्षा मंत्री पूछा था, और एक क्वेश्चन था आपका कि कतर में जो 22 में फीफा का मेजबानी किसने किया था। और बता दें आपको कि परसेंटेज से क्वेश्चन भी था, मतलब इजी था, और दो क्वेश्चन था एडवांस का, एक पूछा था शंकु का क्वेश्चन था, एक और बेलन का क्वेश्चन था, जैसे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था दो। और हिंदी में मतलब गदांश भरने वाला था, इजी बस पढ़ो उसमें से भर दो, इतना इजी था क्वेश्चन उसमें का। और सब विषय मतलब उतना हार्ड नहीं था, मतलब ऐसा था 70 से 72 अटैम्प्ट करने वाला क्वेश्चन था। और उसमें नृत्य से एक क्वेश्चन था, और मैथ में सब ठीक है, रीजनिंग में भी सब ठीक ठाक क्वेश्चन था, मतलब ऐसा था हार्ड नहीं था क्वेश्चन। जैसे कि आया था उसमें सर्किल से दो क्वेश्चन आया था, ठीक नू ऐसी कोडिंग रिकॉर्डिंग से क्वेश्चन था, और कोडिंग रिकॉर्डिंग से और था क्वेश्चन, जैसे कि एथी से था, नंबर सीरीज से क्वेश्चन था, और एथी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था आया था, जैसे कि स्टार हैच ये सब। ब्लड रिलेशन से सिंपल नहीं था, ब्लड रिलेशन से जो क्वेश्चन था ना वो नंबर, हाँ डिजिट वाला जो होता है वो वाला था, वो हार्ड था, थैंक यू वाला। इस पर नंबर सीरीज था, कोडिंग रिकॉर्डिंग था, क्वेश्चन ईजी है, लेवल अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट रहेगा ना तो मतलब 70 तक आराम से अटेम्प्ट कर सकता है, ऐसा मतलब ऊपर है, ऊपर है। हाँ प्रीवियस ईयर जैसा आया था उसके कंपेयर में, प्रीवियस ईयर से थोड़ा मतलब उससे इजी मान लीजिए, इजी मान लीजिए, प्रीवियस ईयर से इजी क्वेश्चन है। अच्छा जीके ओके आपका परेशानी किया? हाँ जीके थोड़ा सा परेशानी किया, थोड़ा सा परेशानी किया, नहीं तो और सब ठीक था, मतलब करेंट दो था, दोनों इजी क्वेश्चन आया हुआ था, बता दिया आपको। और पूछा था एक त्यौहार से क्वेश्चन था, जो गुजरात वाला क्वेश्चन था आया हुआ था। और मतलब स्टैटिक जीके परेशान करने वाला है, थोड़ा सा क्वेश्चन परेशान करने लायक था, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत था परेशान। साइंस से कितना सवाल होगा? साइंस से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, साइंस से कुछ थायमिन विटामिन वन का, हाँ साइंस कैल्शियम कार्बोनेट दो क्वेश्चन साइंस से था। साइंस पे बच्चा जितना जोर दे रहा है ना, बेफालतू का जोर हो रहा है, कुछ भी साइंस से अभी कुछ क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन था वो भी इजी था, साइंस पे विशेष ना पढ़ के एस्थेटिक जीके की तैयारी करे, हम बता रहे कला साहित्य नृत्यांगना इसका तैयारी, आर्ट एंड कल्चर, बस आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन निश्चित आता ही आया था, पिछले भी 3 पेपर का आया है, इसमें भी आया है, गारंटी आएगा ही आएगा। हिंदी में पूछा था कि गंगा का कौन परिवार, 2011 का जनगणना का, बच्चा को बोलिए पढ़ के ही आना पड़ेगा, 2000 कंटिन्यू जनगणना से क्वेश्चन कंटिन्यू आ रहा था। और पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन था उसमें से, और हिंदी में आया था जैसे कि गंगा का इसमें कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। और इसमें एक था शेर का, शेर का कौन पर्यायवाची नहीं है, सिंह का पर्यायवाची। हिंदी को सबको पता है, बच्चा को सिलेबस भी पता है, हिंदी में किसी को टेंशन नहीं होता है, जनरली स्टूडेंट को टेंशन होता है एस्थेटिक जीके का कहेगा, मैथ में कैसा आएगा, थोड़ा रीजनिंग में कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन लेके आ रहा है। इसी पहले इसी तरह से पूछता था, इसी तरह वो ऐसा ही मतलब पैटर्न फॉलो, देखिए पहले से पैटर्न थोड़ा अभी इजी हमको लग रहा है, टाइम मैनेज जो बच्चा कर लेगा ना भैया उसके लिए क्वेश्चन इजी है, जिसका टाइम मैनेज टाइम जो मैनेज नहीं कर पाया उसके लिए क्वेश्चन इजी नहीं है। क्या भाई बहुत अच्छा गया था, कितना अटेम्प्ट किए? 70 मारे। 70 कौन सा सेक्शन परेशान किया आपको? हमको ज्यादा रीजनिंग थोड़ा बहुत हार्ड लगा, कैसे कि टाइम टाइम नहीं मैनेजमेंट किया।